नमस्कार दोस्तों, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सियासत की चाबी त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों से खिसक कर अब तीरथ रावत के हाथों में चली गई है। तीरथ रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से आए सतपाल महाराज के लिए तीरथ रावत का टिकट काटा था। पार्टी के इस फैसले को तीरथ रावत ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और अपनी ही सीट से सतपाल महाराज को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही कारण है कि तीरथ रावत का भगवा प्रेम जाया नहीं गया, उन्हें लोकसभा की सीट सौंपी गई। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पहले लोकसभा का टिकट दिया और अब सीएम की कुर्सी ही सौंप दी। आइए जानते हैं तीरथ रावत के पार्टी कार्यकर्ता से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के संघर्ष के बारे में। तीरथ सिंह रावत संघ की पृष्ठभूमि से भाजपा की राजनीति में आने वाले नेता हैं। छात्र जीवन के शुरुआती दौर में ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। संघ से जुड़े दायित्व निभाते हुए वह भाजपा की मुख्यधारा की राजनीति में आए। 1997 में पहली बार वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। वह राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2012 में चौबटा खाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक वह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गढ़वाल सीट से उतारा था और उन्होंने करीब 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और प्रत्याशी के रूप में भाजपा को शत प्रतिशत परिणाम दिए। तीरथ को 2013 में भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में गईं। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने तीरथ को गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के प्रभारी का दायित्व भी सौंपा। उन्होंने अपनी जीत के साथ हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जिताकर पार्टी में खुद के कद को और मजबूत किया। उत्तराखंड की कमान मिलने के बाद तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को अपना बड़ा भाई भी बताया है। तीरथ रावत ने कहा कि मेरा पूरा फोकस लोगों के भरोसे पर खरा उतरने पर होगा, इसके लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह जी ने बहुत काम किया है, कभी सोचा भी नहीं था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। जो दायित्व मिला है उसे निभाऊंगा। मैं छोटे से गाँव से आता हूँ, सभी को धन्यवाद दूंगा। मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलेंगे। काम करने के लिए 10 दिन क्या 2 दिन भी बहुत होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गवर्नर से मिलने निकल गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।